हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक कटोरी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने नहीं बनाई है, एक मैम ने बनाई है। विनीता मैम उनका नाम है। बहुत अच्छी कुक हैं, बहुत अच्छी अच्छी मतलब डिशेस बनाती है। उनकी रेसिपीज़ बहुत यम्मी होती हैं, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा ये वीडियो। तो मैं आगे उनकी और भी रेसिपीज़ आप लोगों को दूँगी। वो उनका कोई चैनल नहीं है, बट वो बहुत लोगों को कुकिंग सिखाती हैं, वो कुकिंग बहुत अच्छा सिखाती हैं। तो फिर मैं उनके वीडियोस आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर कर दिया करूँगी। तो मैंने उनसे परमिशन लिया है और आप देखिएगा ये वीडियो और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे भी मैं और वीडियो शेयर करूँगी उनकी रेसिपीज़ की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिए रेसिपी, विनीता मैम की रेसिपी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम कटोरी पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, तो पिज़्ज़ा बनाने से पहले हम इसमें डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, एक कप मैदा लिया। आप इसको हाफ कप भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और बनाना चाहिए। आज हम कटोरी पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे। तो मैंने एक कप मैदा लिया, चार कटोरी के लिए एक कप मैदा बहुत होती है। दो चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, ये कुटी हुई लाल मिर्च होती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, आप इसकी जगह अगर पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं हो तो शेज़वान चटनी भी यूज कर सकते हैं और घर में भी पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको कल और परसों बताऊंगी। आधा कप दही लिया है, फ्रेश दही आपको लेना है। तो मैंने पिज़्ज़ा चीज लिया है, अमूल की, अमूल का कंपनी ब्रांडेड है, इसलिए अमूल की आप पिज़्ज़ा चीज लीजिएगा। दो टेबल स्पून मैंने पिसी चीनी ली है, हाफ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। आप अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, और अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। आपको ओनली छुटकी भर डालना है, ज्यादा नहीं डालना। ज्यादा डालने से आपका पिज्जा बिखर सकता है, इसलिए ध्यान रहे आपको अपने मैदा के अकॉर्डिंग हल्का सा छुटकी भर डालना है। और दो टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, तो चलिए, एंड दो टेबल स्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है। आप अगर आपके पास व्हाइट सॉस हो या मोज़रेला चीज हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको विदाउट व्हाइट सॉस के आज कटोरी पिज्जा बनाना सिखाऊंगी, जो देखने में बहुत टेस्टी होता है, स्पंजी एंड बनता है। और ये मैंने कुछ सब्जियां वेजिटेबल्स काट के रख दी हैं। इसमें मैंने ग्रीन कलर की शिमला मिर्च, टमाटो एंड अनियन यूज किया है, आप और भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो मैंने मैदा ली थी वन कप, इसको हम थोड़ा डाल देते हैं। उसके बाद ये फ्रेश दही आधा कप, आप फ्रेश दही या खट्टा दही भी यूज कर सकते हैं, इसको हम अच्छी तरह से डाल देते हैं। उसके बाद हाफ कप, आप वन टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून नमक डालिएगा। नमक अपने अकॉर्डिंग, मैदा आपकी जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप देखकर डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा यूज़ किया, आप चुटकी से पूरी में डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर फुलाने का काम करता है। उसके बाद हल्का सा चुटकी में आप बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेंगे। हल्का सा दो चम्मच ऑयल यूज किया है, ऑयल मैंने ओलाइव यूज किया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। पानी की वैसे तो इसमें जरूरत पड़ती नहीं है दो लीटर के लिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें पानी की जरूरत है तो हल्का सा आप एक दो टेबल स्पून आप पानी से कर सकते हैं। हमारा डो देखिए, हमारा डो इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल लपसी टाइप पे, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। मैं आपको अभी करके बताती हूँ कि हमारे डो की कंसिस्टेंसी किस टाइप से होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से इसको फैट लिया है, देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको फैट लिया है। देखिए,
इसकी हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये इस तरह से हमें इस तरह से गोल तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। हमें इसको 5 मिनट तक, ओनली 5-10 मिनट तक इसको इस तरह से फेंटना, जिससे हमारा ये इस तरह से फ्लेवर बन जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से हमारा फ्लेवर होना चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ज़्यादा ना पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखिए टमाटर में आ रहा है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। इस तरह से हमें, इस तरह से हमें डार्क गाढ़ा करना है। इसको हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक के रख देंगे, जिससे कि इसमें ये थोड़ा देर के लिए भून जाए। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्लेट में हम एक ही साइज की 4 कटोरियां ले लेंगे और इसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, जिससे कि हमारा पिज्जा चिपके नहीं। चारों तरफ घी लगा देंगे, हमारा घी चारों तरफ लगना चाहिए। एक ही साइज की आप कटोरी ले सकते हैं, जिससे कि देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद हम, जैसे पहले भी प्रोसेस बताया था मैंने आपको, उसके बाद हम एक कढ़ाई में प्रीहीट करके रख देंगे और उसको ढककर रख देंगे, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बिस्कुट में बताया था। इसी तरह से हम इसको ढककर रख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरह से हम लोग कटोरी में जो मैंने पिज्जा रेडी किया है, इस तरह से इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये पिज्जा बेस को चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। उसके बाद पिज्जा सॉस को हम चारों तरफ इस तरह से लगाएंगे। के बाद जो हमने वेजिटेबल काटी है, उसको भी हम चारों तरफ इस तरह से डेकोरेटेड कर देंगे। 1-1 पीस टमाटो के, 1 पीस शिमला मिर्च के, 1 पीस अनियन के, तो देखने में भी बहुत टेस्ट यूनिक लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। सेम प्रोसेस वही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें पहले चिली फ्लेक्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा जो खाते हो उसके बाद डाल सकते हैं, और ओरेगानो, और मैंने ये मोज़रेला चीज को देखिए ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से आप अगर ग्राइंड करना चाहे ग्राइंड कर सकते हैं, ग्रेट कर दिया, और अगर डालना चाहे तो आप ऐसे ही पतले पीस करके डाल सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंड करके डाल दिया, ये देखने में भी बहुत टेस्टी एंड यूनिक लगते हैं, और ग्राइंड होने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से मैंने ये चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इस तरह से चारों कटोरी में स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए, देखने में भी कितने सुंदर एंड डिफरेंट यूनिक टाइप में लग रहे हैं। इस तरह से हम पूरी चारों कटोरियों को डेकोरेटेड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें व्हाइट सॉस भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने व्हाइट सॉस यूज नहीं किया है। 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रख दिया है, तो हमारा कढ़ाई वाला ओवन रेडी हो गया है और ऊपर तक इसकी फ्लेम आ रही है। अब इसके बाद हम नीचे एक स्टैंड रखकर इसको एक प्लेट के ऊपर लगाकर इसी तरह से, ये देखिए थोड़ा गर्म है, इसको हम इस तरह से बेक होने के लिए 25-30 मिनट तक के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बेक होने के लिए रख देंगे, और हमारी गैस स्लो सिंपल होनी चाहिए। हमें इसको 20 मिनट्स के लिए रखना है। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो माइक्रोवेव में 180 डिग्री पर आप 20 मिनट्स के लिए इसको रख दें। आप बीच बीच में इसको देखते जरूर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोवेव ओवन पर भी आपको 10 मिनट्स के लिए ओवन आपको प्री हीट करके रखना है कन्वेक्शन मोड पर। चलिए हम 15 मिनट बाद मिलते हैं।